ओ यारो, बाइस टाउन पे एक बहुत भारी मुसीबत आ गई है। तुम लोगों को मालूम है, वो टीवी मैन और ईविल एल को और सारे के सारे साथी मिलके बाइस टाउन की ऐसी की तैसी कर दी है उन लोगों ने। अबे टिप्सन, बाइस टाउन को बचा वो टीवी मैन ने, कहती बाइस टाउन की ऐसी की तैसी कर दिया, कुछ कर। अबे सो जा यार। वो तो ठीक है। क्या कह रहा रोपी रो, वो तो पागल है। इतनी देर से मैं क्या कह जा रहा हूँ तेरे से, मिलिट्री बेस और पूरे के पूरे बाइस टाउन की ऐसी की तैसी कर दी है उस टीवी मैन और उसके साथियों ने। मुंह में से सुपारी निकाल के बात करे कर। तेरी तो ऐसे कम तैसे तेरे को मैं छोड़ूंगा ना। रुक, तू यहीं पर खड़े रही है, तू यहीं पर खड़े रहे, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। अब सबसे पहले तो ये निकाली डरता है, कतई हमेशा मजाक यार ठीक ना रहता है। यारो इसको छोड़ो, हम लोगों को बाइस टाउन को बचाना होगा। कतई उस घटिया टीवी मैन ने और ईविल हल्क ने सारे के सारे सोल्जर मिलकर बाइस टाउन की ऐसी की तैसी कर दी है उन लोगों ने। यार हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोगों को मिलिट्री बेस बनाने होंगे वापस से नई, और वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। पर कैसे बना सकता हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये क्या है, कार से चलते हैं। ओए रुक जा यार, कार से चलते हैं अपन लोग उस बंदे के पास जिसको मैंने आज़ाद किया था। वो आयरन मैन था ना? हाँ, शायद मैंने आयरन मैन को इक्विप किया था अपनी शॉप से। चलो यार, आयरन मैन ही अब मेरी मदद कर सकता है। अबे उतर, अबे गाड़ी में से उतर जा, घटिया इंसान। वो ये तो मस्त था, कतई ये तो उड़ के उतरा, मजे आ गए। खैर यारों, जो भी हो, हम लोगों को फटाफट से आयरन मैन के घर जाना पड़ेगा। आयरन मैन, मैं आ रहा हूँ कतई तेरे पास। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, आयरन मैन मेरे को मिलेगा घर पर? जो भी हो, देखना तो पड़ेगा। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन बाइस टाउन को उन घटिया हाथों में नहीं जाने दूंगा, उन दोनों की। चलो यार जल्दी से चलते हैं आयरन मैन के घर पे। वैसे आयरन मैन का घर इधर ही है, ये देखो यार, इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद आयरन मैन का घर आता है। तुम लोगों को वाकई में लगता है आयरन मैन मेरी मदद करेगा? आयरन मैन, पता नहीं क्या होगा आयरन मैन। एक तो यार इसका घर काफ़ी दूर है, मेरे पास इसका नंबर नहीं है, वरना मैं अभी तक इसको फ़ोन करके बुला लेता। ओए आयरन मैन, कहाँ पर है, घर के अंदर ही है क्या? अरे कतई सो रहा है क्या, अंदर बैठ कर। खैर जो भी हो, अपन लोग चलते हैं घर के अंदर और देख कर आते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओए आयरन मैन, कहाँ गया ये घटिया आयरन मैन, इतनी से सुनता क्यों नहीं है मेरी बात, आवाज़ वो सेकी बड़ी टॉयलेट। आयरन मैन किधर है क्या? वो अपने घर गया है। बस यार, अब मैं क्या करूँ उस टीवी मैन का, कैसे रोकूँ उसको? रो पी रो, टीवी मैन को तो सिर्फ एक इंसान रोक सकता है। कौन? वो क्या? ओहो यारो, तुम लोगों को मालूम है इस सिक्की बड़ी टॉयलेट ने कहा है, रोपी रो, अगर तेरे को टीवी मैन को रोकना है तो सिर्फ एक ही इंसान है जो तेरे को रोकने में मदद कर सकता है, और वो है रोबोटिक हायाभूसा बाइक। यारों, उस रोबोटिक हायाभूसा बाइक की अगर हम मिलिट्री बेस बनाएंगे ना, तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा मिलिट्री बेस कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इसलिए हम लोगों को फटाफट से जाना पड़ेगा मिलिट्री बेस बनाने के लिए, हायाभूसा सुपर रोबोटिक बाइक को लेने के लिए। और तुम जानते हो हायाभूसा सुपर रोबोटिक बाइक मेरे को कहाँ पर मिलेगी? वो बाइक उस घटिया आइसक्रीम मैन के कंट्रोल में है, और उसकी सबसे पावरफुल सुपर बाइक है। हम लोगों को कुछ भी करके उस आइसक्रीम मैन के घर पर जाना होगा, और उससे आइसक्रीम मैन से उसकी हायाभूसा सुपर रोबोटिक बाइक लेकर आनी ही होगी। तो चलो यार, हम लोगों को जाना ही होगा। अबे अबे इस गाड़ी को क्या हुआ? अबे रुक जा यार, शिट, मैं तो गया कतई काम से। ओ गया मैं, अय्या जोरों की लग गई। यारों भाग लेता हूँ मैं इधर से, फटाफट निकल लो यार, जल्दी से निकल लो इधर से। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, मैं आइसक्रीम मैन के घर जाकर उसकी हायाभूसा सुपर रोबोटिक बाइक लेकर आ पाऊँगा? मेरा तो दिमाग ही काम ना कर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, जो भी हो जाना तो पड़ेगा। चल रोपी रो, फटाफट से चल। एक काम करता हूँ, वहाँ पर तुम लोगों को, अबे चल जा, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा। हाँ मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, यहाँ से भी नहीं जा सकता, ये पार सारी रास्ते बहुत चिकनी है। वो देखो यार झूले, हम लोग एक बार अगर उधर पहुँच गए तो हम आइसक्रीम मैन के घर पहुँच ही जाएंगे। और आखिरकार मेरी रोप भी यहाँ पर काम कर रही है, ये मस्त है यार। ओए नहीं, पानी में, वापस पानी में नहीं जाना था यार, दो बार पानी में गिर आया, वो भी ठंड में, कतई बहुत जोर की ठंड लग रही है। रे आइसक्रीम मैन, तेरी तो ऐसी कम तैसी हायाभूसा बाइक को कहाँ पर रख रखा है? वो देखो यार, वो रहा आइसक्रीम मैन का घर। अब बस आइसक्रीम मैन,
मुझे दे दे अपनी सुपर हायाबुसा सुपर रोबोटिक बाइक। अबे उतर उतर जल्दी से उतर, मेरे को चाहिए यार हायाबुसा बाइक उस आइसक्रीम मैन से। चलो यार फटाफट से बाइक को मोड़ते हैं और निकल लेते हैं वो रहा आइसक्रीम मैन का घर। कतई बड़ा भयंकर डर लग रहा है यार मेरे को तो। आइसक्रीम मैन, ओए यार मैं तो गया कती काम से। यारो हायाबुसा बाइक इधर ही होगी, वो मेरी मदद करेगी कि नहीं मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हायाबुसा, ओ वो देखो यार, ओए हायाबुसा सुपर रोबोटिक बाइक, मेरी मदद कर यार। देख मेरे को मार दिए मत आइसक्रीम मैन की तरह, मेरे को तेरी जरूरत है। अबे यार मार मत, मैंने तेरे से कहा। अबे यार ये तो ऐसे मानेगी ना, मेरे को लगता है। अय्या जोर की लग गई। मेरे को लगता है इसको हरा कर ही जब मेरी बात मानेगी। मेरे को इसको हराना ही होगा यार, और इसके अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। जब तक मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तब तक ये मेरे को ऐसी मारती रहेगी। अबे यार गोल गोल क्यों घूम रही है, पागल हो गई है क्या हायाबुसा सुपर रोबोटिक बाइक। मेरे को लगता है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये मेरे को इतनी आसानी से यार अपने आप पे कंट्रोल करने ना देगी। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे को कुछ भी करके इसकी ढक चिकी करनी पड़ेगी। अबे पागल बाइक मान जा यार, कभी तो मान जाया कर। ये बौखला गई है इसकी तो, ऐसे कम जैसे तेरे को मैं छोड़ूंगा ना, बिल्कुल भी ना छोड़ूंगा। निकल जा इधर से घटिया रोबोटिक बाइक, अबे चले जा इधर से। ये यार एक तो मान भी ना रही है मेरी बाइक, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। निकल जा इधर से घटिया बाइक। यारो इतनी आसानी से ये मानेगी ना, अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, मैं इसकी पुंगी बजा देता हूँ। निकल जा इधर से। ओए यार वाकई में इसकी पावर तो बहुत है, अगर ये वाकई में मिलिट्री बेस बनाएगी मेरे लिए तो कतई मजे ही आ जाएंगे। अबे हायाबुसा बाइक मेरी मदद कर यार, मेरे लिए मिलिट्री बेस बना प्लीज। यारो ये वाकई में हायाबुसा बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कुछ तो करना पड़ेगा इस घटिया बाइक का, तेरी तो। निकल जा इधर से घटिया बाइक, निकल जा। छोड़ूंगा तो मैं इसको बिल्कुल भी ना, इसको लेके जाऊंगा मैं बाइस टाउन। पर कैसे यार, इसमें तो बहुत ज्यादा पावर है, मैं इसको नहीं लेके जा सकता। तेरी तो, निकल जा इधर से घटिया बाइक। ओए नहीं, अबे हायाबुसा सुपर रोबोटिक बाइक मेरी बात तो सुन, मेरे को मार क्यों रही है बेफालतू में, तेरी मेरी तो कोई दुश्मनी भी ना है, मेरे को बस तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए। बस इसका ये तार काट दूं, और ये तार काट दिया यार मैंने, और ये मेरे कंट्रोल में आ गई यार। आखिरकार ये बाइक मेरे कंट्रोल में आ गई। अब चलते हैं अपन लोग फटाफट से बाइस टाउन, और मैं बनाऊंगा एक मस्त रोबोटिक मिलिट्री बेस, वो भी हायाबुसा रोबोटिक मिलिट्री बेस। उस ईवी ललक और उस टीवी मैन की तो ऐसे की तैसी कर दूंगा मैं। हुआ क्या मस्त है यार ये, कतई इसने छलांग तो मस्त मारी। जो भी हो जल्दी तो भाग लेते हैं अपन लोग इधर से। अबे तेरी तो यहाँ पर कितनी सारी कुर्सियाँ रखी हैं यार बेफालतू में। छे यारो आखिरकार अपन लोगों ने ये बाइक ले ही ली, हायाबुसा सुपर रोबोटिक बाइक, और अपन लोग बाइस टाउन में भी आ गए। अब मैं बाइक बन के देखता हूँ। हो यारो बाइक की स्पीड भी कतई बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, कितनी स्मूथ तरीके से चल रही है, कतई मस्त है यार। वो चलो यार अब हम लोग ना इस बाइक का है ना एक मिलिट्री बेस बनवाते हैं। तुम लोग तो जानते हो अपने पास एक छोटा सा मिलिट्री बेस है जो कि खाली पड़ा हुआ है, हम लोग उसी मिलिट्री बेस में इस बाइक को रखेंगे और है ना इससे बहुत मस्त मिलिट्री बेस बनवाएंगे। कैसा रहा मेरा प्लान, मस्त है ना। तो चलो यार चलते हैं फटाफट। अबे आराम से यार, मैं चाहता हूँ बस ये ख़राब ना होए किसी भी हाल में। वो अबे आराम से इसको पीछे करता हूँ, और पीछे गिर गई। अबे इसको क्या हुआ अचानक से, ये मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे जा रही है। अबे सीधा चल, अबे सीधा, मेरे को ना अभी ये रोबोटिक बाइक है ना इसलिए मेरे को चलाने आते नहीं है ठीक से, बस मैं इसको सीधा भगा सकता हूँ। मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है यार इस बाइक को। ओए मुड़ यार, कैसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, ठीक है यार मैं मोड़ना भी सीख गया। अबे हट जा सब के सब, टिप जान। ये देख मैं हायाबुसा सुपर रोबोटिक बाइक लाया हूँ, अब मैं बनाऊंगा इसका एक मस्त मिलिट्री बेस। मस्त है रोपीरो, मस्त तो हो गई यार। अब चलो यार टिप्सन को तो मैंने ये बाइक दिखा दी, उसको घंटा कोई फर्क ना पड़ा। छह खैर जो भी हो, लेकिन अपन लोग तो जरूर बना के रहेंगे मिलिट्री बेस। ये खंबा क्यों टूट गया अचानक से, जो भी हो जल्दी से चलते हैं। कतई इसको बना लेते हैं वापस से बाइक, और अब भगा लेते हैं इस कार को, मेरा मतलब बाइक को। कतई मस्त रोबोटिक बाइक ना, तुम लोगों को कैसी लगी ये बाइक। खैर ये सब छोड़ो, हम लोग बनाएंगे मिलिट्री बेस हायाबुसा बाइक का, कतई मजे आ जाएंगे। ये देखो ये रहा अपना मिलिट्री बेस। कहाँ पर रखूँ यार, तुम लोग बताओ मैं इस बाइक को किधर रखूँ, किधर रखना चाहिए मेरे को, तुम लोग क्या कहते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, ये जगह मस्त है।
अब कहते ये बाइक मस्त मिलिट्री बेस बना लेगी एक दो दिन में, तो मजे आ जाएंगे। हम एक दो दिन बाद आऊँगा ना मैं इस मिलिट्री बेस में, तो कहते मस्त मिलिट्री बेस बन जाएगा ये। चलो यार अब मैं जा रहा हूँ कतई कसिनो, वहाँ पर ही सोऊंगा। खैर तुम लोग इन वीडियो को देखो यार, ये वीडियो कमाल की है वाकई में यार, तुम लोग भरोसा कर सकते हो और देख सकते हो, जरा टच करके देखो, कतई मस्त वीडियो है। तो गुड डे आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड डे आ रहा हूँ। और अगर तुम लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखो यार प्लीज़।